जबलपुर में बॉलीवुड मूवी स्टार शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की फिल्म रिलीज होने के पहले ही विवादों में घिर गई है, जहां मूवी का पहला गाना जैसे ही रिलीज हुआ उसको लेकर विरोध शुरू हो गया है। जहां विषम रंग के गाने में दीपिका पादुकोण ने जिस प्रकार के वस्त्र पहने हैं और गाने में अश्लीलता दिखाई गई है, इसके बाद गाने को लेकर भाजपा और कांग्रेसियों ने फिल्म को बैन करने की मांग शुरू कर दी है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी फिल्म के गाने में दिखाए गए दृश्यों को लेकर फिल्म को बैन करने की मांग की है, जिसके बाद जबलपुर में भी पठान मूवी को लेकर पक्ष विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है, जहां नगर निगम के भाजपा नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने फिल्म के गाने को लेकर खासा आक्रोश जताते हुए कहा है कि निश्चित तौर पर जिस तरह से मूवी के गाने में अश्लीलता दिखाई गई है उसका विरोध करते हैं। वहीं उन्होंने कहा यह देश सनातन परंपरा का है, यहाँ की संस्कृति में इस तरह की अश्लील फिल्मों के लिए जगह नहीं है। अगर इस फिल्म में यह गाना नहीं हटाया गया तो निश्चित तौर पर भाजपा इस फिल्म को लेकर प्रदर्शन करेगी और फिल्म को बैन करने की मांग की जाएगी। वहीं कांग्रेस नेता यतेंद्र सोनी ने कहा कि इस प्रकार की कोई भी फिल्म के लिए कोई भी जगह नहीं है। जिस प्रकार से फिल्म के गाने में फूहड़ता और अश्लीलता है, ऐसे गाने और ऐसी फिल्म का विरोध कांग्रेस करती है, क्योंकि फिल्म लोग अपने परिवार के साथ देखते हैं। ऐसे में ऐसी अश्लीलता भरी फिल्म निश्चित तौर पर बैन कर देना चाहिए। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देश के भले की बात की। आपने देखा होगा कि एक तरफ तो हम संस्कार की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो फिल्मों में जिस प्रकार के दृश्य दिखाए जा रहे हैं, निश्चित रूप से हम जानते हैं कि दीपिका पादुकोण टुकड़े गैंग की मेंबर रही, उन्होंने हमेशा उनका साथ दिया। अब आज जब वो उनकी फिल्म आ रही है और उस फिल्म में भी जिस प्रकार के दृश्य दिखाए जा रहे हैं और जिस प्रकार के गाने को प्रपोज किया जा रहा है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जाके हम सभी लोगों को इससे बहुत व्यथित होना पड़ रहा है। आज के इस युग में आपने देखा होगा कि सभी बच्चे, महिलाएं, परिवार के लोग एक साथ बैठ के फिल्म देखते हैं, मगर जिस प्रकार से फिल्म में दृश्य दिखाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जाके हम इसका विरोध करेंगे और हम इसकी निंदा करते हैं। और जिस प्रकार से हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है, यदि वो इस प्रकार की दृश्य को अलग नहीं करते हैं तो हम इसका विरोध करेंगे और इसका बहिष्कार करेंगे। गाने में देखा गया भगवा रंग के कपड़े पहने हैं दीपक पादुकोण ने, कहीं ना कहीं सनातनी धर्म का इसने अपमान किया है। ये तो फिल्म सेंसर बोर्ड बताएगा कि इन्होंने क्या किया है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि फिल्म के जो गाने हैं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जाके हमारे संस्कार को आघात करते हैं और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिक्चर अगर रिलीज होगी तो अब भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी क्या इसका? जिस प्रकार से हमारा शासन आदेश करेगा हम उस हिसाब से काम करेंगे। उन्होंने जिस प्रकार से जो कपड़े पहने हैं और ऐसे दृश्यों को लेकर लगातार मांग उठ रही है सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी, तो आप क्या कहेंगे इस गाने को लेकर? पठान मूवी की बात नहीं है, इस तरह की जो भी फिल्में बनती हैं, खास करके जिसमें अश्लीलता दिखाई जाती है, वो खास करके हमारे देश में तो नहीं चलनी चाहिए। अभी पहले भी बहुत सी फिल्में आई जिसका विरोध भी हुआ, तो वर्तमान ये फिल्म में तो अश्लीलता साफ झलक रही है। आज पक्ष या विपक्ष की बात नहीं, बात जो हिंदू संस्कृति है हमारे देश में उसको सामने रख कर के फिल्में बनाना चाहिए। सेंसर बोर्ड को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज हमारे यहाँ विपक्ष ने भी इसका विरोध किया है और सरकार तो सामने दिख ही रही है। मेरा भी मानना ये है कि ऐसी फिल्मों को समाज में नहीं आनी चाहिए। नाम आप? मैं यतेंद्र सोनी, कांग्रेस के बदल जबलपुर से।